सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आज जो ये वीडियो है बहुत दिन के बाद आ रहा है यूट्यूब पे, बिकॉज गाइज लाइफ गोज ऑन रियली बैड अप्स एंड डाउन। सो गाइज ये तो सबकी जिंदगी में आते हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो गाइज बात करते हैं आज के वेदर की। बहुत दिन से बारिश हो रही थी बट लेकिन आज मौसम बढ़िया है। और देखिए ये कुछ सुबह का माहौल है। आज मैं सुबह 6:30 बजे उठ गया था, ऑलमोस्ट 6 बजे उठ गया था। उसके बाद थोड़ा काम किया और ये देखो ये है केती विलेज, जो आपको कि रोज़ मेरे ब्लॉग पे देखते हो। और ये ब्लॉग इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सारे कपड़े धुल के यहाँ पे टंगे हैं और नीचे पानी पानी हो रहा है, क्योंकि अनुपम जो मेरे वाइफ हैं उनकी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है। और कहाँ के लिए होगी है ये इस वीडियो में आपको बाद में पता चलेगा। तो सारे रूम का जो सामान है बिखरा पड़ा है, और क्योंकि हम सुबह आज 6 बजे से पैकिंग कर रहे हैं। अनुपम जाएगी आज ब्लॉक मेडिकल ऑफिस नेरवा, क्योंकि वहां से रिलीव करना है। उसके बाद आज इवनिंग में जाएंगे बीजमल। चलिए अब सीधा इवनिंग में मिलते हैं। तो गाइज अभी गाड़ी अपनी रेडी हो गई है, आज हम लोग जा रहे हैं बीजमल, क्योंकि बीजमल में भी थोड़ा माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वो भी है मंदिर, चल जाएंगे वहाँ भी। तो हम पहुंच चुके थे बीजमल और गांव के बीचों बीच गाड़ी कर दी हम लोगों ने खड़ी, और सबसे पहले जाते हैं यहाँ की कुलदेवी के मंदिर। और देखिए आगे मेरे माताजी अनुपम और अपने पूरे भाई लोग चले हैं साथ में। यहाँ पे पूरे ग्राउंड पे गाड़ी खड़ी कर दी, और उसके बाद 2-3 जो मंदिर होंगे वहाँ जाएँगे। और उसके बाद हम यहाँ से, मेरे वाइफ लास्ट टाइम यहाँ विज़िट कर रहे हैं, तो ये जो मेमरीज़ हैं ये हमारे साथ हमेशा रहेगी। ये यादें तो हमेशा रहेगी अपने साथ, हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारे अप्स और डाउन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लर्न करके जा रहे हैं। और यहाँ पे खूबसूरत बीजमल गांव और माता के चरणों में सबसे पहले प्रणाम। तो फिलहाल दोस्तों माता के दर्शन करके आ गए थे, और इन खूबसूरत वादियों को मेरे वाइफ अनुपम ज़रूर मिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पीस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। और देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, चारों ओर की पहाड़ियाँ दिख रही है, और आज हालांकि मौसम बिल्कुल साफ है। और ये कुछ सिनेमैटिक शॉट का एंजॉय करो एक बार। हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है, जब वो आता है तब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो गाइज ये जो समय होता है किसी के जीवन में मिड ट्रांसफ़र का, ये भी बहुत बहुमूल्य होता है। और ये मेरे मदर और ये हमारा हॉस्पिटल। इस वीडियो को मैं बहुत लेट अपलोड करूँगा, अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है, और ये यादें हमेशा इनके साथ जुड़ी रहेगी। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? रोना आ रहा है, ठीक है कोई नहीं। और ये देखो कितना अच्छा धूप आ रहा है। सो गाइस अब हम लोग ये चीज मिस करने वाले हैं, मैं नहीं मतलब अपने जो वाइफ है ये मिस करने वाले हैं। हीरू चलाओ। फाइनली हम घर में पहुंच गए थे। तो इसी के साथ एंड करते हैं अब इस ब्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।